के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भी गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 100 से ज्यादा फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर 26 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 28 अक्टूबर को प्रातः 3 बजे तक वाहनों का डायवर्जन हुआ लागू। एसपी ट्रैफिक ने कहा, महानगर क्षेत्र में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही वाहनों का डायवर्जन किया गया है लागू। एम्बुलेंस, तीर्थयात्री वाहन या अन्य इमरजेंसी वाहन डायवर्जन नियम से रहेंगे मुक्त। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता के 99वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, वैश्य समाज के महान नेता थे स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता, करते रहे वह वैश्य समाज के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास। धर्मशाला बाजार चौक अब जाना जाएगा श्री गुरु नानक देव धर्मशाला बाजार चौक के नाम से। महापौर सीताराम जायसवाल ने किया नामकरण, शिलापट्ट का अनावरण। मंगलवार को धर्मशाला बाजार में हुई आगजनी की घटना को अपनी जान पर खेलकर जनहानि एवं धनहानि को बचाने वाले फायर ब्रिगेड के जवानों को भी किया गया सम्मानित। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के 2001 से 2005 तक के पुराने छात्र व अध्यापकों का मिलन समारोह का किया गया आयोजन। प्रधानाचार्य व अध्यापकों सहित देश की सेवा कर रहे पूर्व छात्रों को अंग वस्त्र से किया गया सम्मानित। और जनपद में धूमधाम से लड़कियों और महिलाओं ने की भगवान गोवर्धन की पूजा। भगवान गोवर्धन से परिवार के सुख समृद्धि की कामना।